मूड स्विंग्स होना, ऐसे में मूड स्विंग्स होना बहुत ही मतलब नॉर्मल बात कह सकते हैं, लेकिन ये हस्बैंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पे ना हम कभी तो इतना खुश हो जाते हैं और वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। आई होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है और आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपको चीज बताने वाली हूँ। तो गाइज वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने के लक्षण, तो प्रेगनेंसी में पहले महीने में हमें ऐसे क्या क्या लक्षण नजर आते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं या हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका पीरियड्स का ना आना, 4 हफ्ते से जैसे ही ऊपर होता है वैसे ही आपको, अगर आपको पीरियड्स नहीं आया है, 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, 4 से 5 हफ्ते हो चुके हैं आपके पीरियड्स ना आने का कारण यही होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये आपको प्रेगनेंसी की ओर ही दर्शाता है। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट कन्फर्म होते ही आपको फिर ध्यान देना है कुछ कुछ बातों पर कि आपको आपकी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं या आप प्रेग्नेंट हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ जो प्रेगनेंसी किट होती है कई बार वो भी हमें गलत बता देती है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और हमें पता नहीं चल पाता है कि हम प्रेग्नेंट असल में हैं या नहीं हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पेट में कब्ज होना, उल्टी आना, जी मचलना, सीने में जलन होना, चक्कर आना, जी घबराना, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको ये दर्शाते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। और प्रेगनेंसी आपको, अगर आपको प्रेगनेंसी किट में अगर आपको कंफर्म नहीं हुआ है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, तो आपको सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपनी गायनी से कंसल्ट करना है। और जैसे ही आप कंसल्ट करते हैं प्रेगनेंसी किट के बाद भी अगर नहीं पता चलता है, तो फिर आपको जो भी वो ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड जो भी रिकमेंड करते हैं, तो फिर आपको वो करवाना चाहिए। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही आपको फील होने लग जाता है अपनी बॉडी में, एक आपको स्तन में थोड़ा भारीपन फील होता है, आपके निप्पल्स में पेन शुरू होने लग जाता है, तो इसका कारण ये है कि आप प्रेग्नेंट हैं। और ये भी कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट के आपको प्रेग्नेंट की ओर लेके जाता है। लेकिन कई बार कुछ महिलाओं में, कुछ गर्ल्स में ये पीरियड्स के दौरान भी होता है उनको निप्पल्स में पेन होना, तो आपको अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करके या अपनी गायनिक से ज़रूर कंसल्ट करके आपको क्लैरिफिकेशन ज़रूर लेनी है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो आपको ना बहुत जल्दी से स्मेल आ जाती है किसी भी चीज़ की, कोई भी जो चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो सूंघने की क्षमता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उस टाइम पे प्रेगनेंसी के दौरान हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी नाक को बहुत जल्दी से पता चल जाता है कि हाँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बन रही है या फिर किस चीज़ की स्मेल आ रही है, और बहुत स्ट्रांगली स्मेल फील करती है प्रेग्नेंट लेडी। मूड स्विंग्स होना, ऐसे में मूड स्विंग्स होना बहुत ही मतलब नॉर्मल बात कह सकते हैं, लेकिन ये हस्बैंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पे ना हम कभी तो इतना खुश हो जाते हैं और कभी कभी छोटी छोटी सी मतलब जो लगता है ना कि ये कोई बात भी नहीं थी गुस्सा होने की, नाराज़ होने की, झगड़ा करने की, और हम ऐसी बातों पर भी रिएक्ट कर देते हैं और हम झगड़ा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में आपके हार्मोनल्स चेंज होते हैं, आपके मूड इतना ज़्यादा स्विंग करता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप कौन सी चीज़ पे हंस रहे हो, कौन सी चीज़ पे रो रहे हो, आपका मतलब बिल्कुल आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो ये मूड स्विंग्स होना भी आम बात है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में कई महिलाओं को बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट, तनाव महसूस होता है, कमज़ोरी फील होती है, और कहीं ना कहीं ये खून, आपके शरीर में खून की कमी भी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको ऐसा फील होना बहुत ही नॉर्मल बात होती है। बस आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और आपको टाइम टू टाइम अपनी डाइट पे ध्यान देना है, अपना डाइट चेंज करते रहना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको अपनी गायनिक से भी कंसल्ट करते रहना है।
एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी के बाद ना हमें जल्दी जल्दी फीवर आने लग जाता है कुछ महिलाओं को, कुछ महिलाओं को बहुत ज्यादा कोल्ड, कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के टाइम में ना हमारे हार्मोन इंबैलेंस हो जाते हैं और हमारा पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। तो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से, हमारे खान पीन की वजह से, और जैसे जैसे बेबी विकास करता है वैसे वैसे हमारी बॉडी में भी काफी चेंजेस आते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है, और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको किन चीजों को खाना है, किन चीजों को नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, चाहे वो एक फीवर की टैबलेट ही क्यों नहीं है, चाहे वो एक कोल्ड की टैबलेट ही क्यों नहीं है। पता आपको नहीं पता कि कौन सी टैबलेट आपके लिए हानिकारक हो सकती है, तो इसीलिए आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी है प्रेगनेंसी के दौरान। हमारे साथ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए और हमारे साथ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में जो भी महिलाएं ना, सबको ये वीडियो शेयर कर दो भाई, कब किसको कहां जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता। तो जल्दी से मिलती हूँ आपको एक न्यू वीडियो के साथ, लव यू ऑल।